भारत में 1980 के बाद अगर क्रिकेट पॉपुलर हुआ तो उसमें सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का खेल ही नहीं था, बल्कि रेडियो कमेंट्री ने उसमें एक नई जान लगाई और घर घर तक इस खेल को पहुंचाया, क्योंकि फिर क्रिकेट रेडियो से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और रेडियो की एक बहुत बड़ी आवाज़, कमेंट्री की एक बहुत बड़ी आवाज़। सुशील दोषी हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा रेडियो कमेंट्री का। सुशील जी, आपको कहा जाता है कि कमेंट्री हो या रेडियो कमेंट्री हो, आप उसके भीष्म पितामह हैं, क्योंकि एक जो आवाज़ होती है जो घर घर तक पहुंची, कपिल देव ने विकेट लिए या सुनील गावस्कर ने सेंचुरी स्कोर की, आपने उसको पहुँचाया हर जगह जगह, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? नहीं, अद्भुत सफ़र रहा। मैं समझता हूँ जितना प्यार, जितनी मोहब्बत भारतीय लोगों का मुझे प्राप्त हुआ, वो इसका कारण एक ये भी रहा कि मैंने हिंदी में कमेंट्री की। जब आप देश की भाषा में लोगों से बात करते हो और संवाद स्थापित करते हो तो देश के लोग उसे प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिकेट का। और साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि क्रिकेट अगर, जैसा आपने कहा, खेत खलिहानों, पुरुषों और स्त्रियों तक, गृहिणियों तक अगर पहुँचा है तो वो हिंदी कॉमेंट्री के कारण पहुँचा, क्योंकि टेलीविज़न का ज़माना तो 1982 के बाद आया, उसके पहले तो रेडियो कॉमेंट्री थी। 1977-78 में मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोज़ 100 चिट्ठियाँ कम से कम फैन मेल के रूप में आती थी, और आपने एक अच्छी बात कोई दिन में कह दी तो कितनी ही चिट्ठियाँ आ जाती थी। आज वो बात नहीं है, आज टेलीविज़न है, लोग देख लेते हैं और अपना मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन रेडियो का वो ज़माना जब पान वाले की दुकान पर 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर आपकी कमेंट्री ध्यान से सुनते थे और एक एक शब्द उन्हें आंदोलित करता था, वो चुनौतीपूर्ण वक्त था। जी हाँ, लेकिन और शायद इसका नतीजा भी ये है कि हिंदी कमेंट्री दोबारा से अभी पॉपुलर हुई है और बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो फिर से हिंदी कमेंट्री को लाएं। लेकिन सुशील जी, एक ये चैलेंज रहा होगा आपके लिए, क्योंकि रेडियो के जरिए क्रिकेट को समझाना, फील्ड प्लेसमेंट समझानी, बॉलर कहाँ है, पूरा नक्शा जो होता है मैदान का, वो जो श्रोता है, जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसके दिमाग में लाना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। नहीं, बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं सच बताता हूँ, 1968 में मैंने पहली कमेंट्री की, तो आज करीब करीब 50 साल होने आए। लेकिन जब शुरुआत में कमेंट्री की थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी करते थे कि हिंदी में भी कोई कमेंट्री हो सकती है। एक खेल जो FPS सिस्टम का है, 22 यार्ड से जो शुरू होता है, उसकी हिंदी में कैसे बात होगी, लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन जब हिंदी कमेंट्री शुरू हुई और फिर मैंने सोचा कि एक चुनौती है, क्योंकि मुश्किलें तो देखिए सब पे आती हैं, लेकिन कुछ लोग उन मुश्किलों से निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। तो हमारे लिए वक्त था निखरने का, तो हमने कोशिश ये की कि कमेंट्री करें तो सोचें हिंदी में सोचें। जैसे हमने सोचा कि स्क्वायर कट कर रहा है तो बल्लेबाज क्या कर रहा है, तो मैंने देखा कि वो गेंद के लाइन से अपने आप को अलग कर रहा है, स्ट्रोक के लिए जगह बना रहा है और स्क्वायर कट कर दे रहा है 4 रन के लिए। तो ये शैली भी बन गई, इसमें भाषा भी बन गई, शिल्प भी बन गया, और एक रिदम जिसको कहते हैं प्रवाह, जिसके लिए मुझे जाना जाता है, वो भी एक यहाँ पर बन गई, लोगों के मन में ही उतर गई। मैं बहुत किस्मत वाला रहा कि मैंने किसी की कमेंट्री सुनी नहीं थी, क्योंकि हमसे पहले कोई हिंदी में करता भी नहीं था। शायद कोई करता होता तो हम नकल करने की कोशिश करते, लेकिन चूंकि हमें अपनी भाषा और शैली और शब्दों का चुनाव खुद करना पड़ा और उन्हें ईजाद करना पड़ा, इसलिए एक नई शैली का एक पदार्पण हो गया और लोगों को बहुत पसंद आए। मैं समझता हूँ मैं उन करोड़ों श्रोताओं का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने शुरुआत में हिंदी कमेंट्री को पसंद किया। जी सुशील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कई ऐसे मैचेस हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सुशील जी ने डेब्यू मैच में भी कॉमेंट्री की और उनके रिटायरमेंट मैच में भी कॉमेंट्री की, कोई ऐसा लम्हा आपको याद है जब आपके भी रोंगटे खड़े हो गए और कॉमेंट्री में बिल्कुल ऐसा माहौल आ गया हो, कॉमेंट्री बॉक्स में भी, कोई ऐसे लम्हे के बारे में बताइए। नहीं, बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं, लेकिन कुछ तो मैं भूलता ही नहीं। एक ओवल टेस्ट मैच है जिसका जिक्र हर जगह होता है कि जब भारत को 438 रन बनाने थे जीतने के लिए, 1979 की बात है, सुनील गावस्कर ने 221 रन बना लिए और चेतन चौहान और गावस्कर के बीच में 350 से ज़्यादा की वो ओपनिंग भागीदारी होगी, भारत बिल्कुल जीत के मुहाने पर पहुँच गया था। तब कुछ अंपायरिंग की गलतियाँ, और उस समय भारत को जीतते कौन देखना चाहता था, भारत इतना सुपर पावर तो था नहीं और इंग्लैंड की भूमि पर इंग्लैंड को हराना मुश्किल काम था, लेकिन भारत वहाँ तक पहुँच गया था। उस मैच में मैंने देखा कि कुछ लोग वापस जा रहे हैं छोड़ के, जब 40 या 50 रन बनाने थे, बाकी थे जीतने के लिए, तब कुछ लोग इतनी रोमांचक स्थिति में वापस जा रहे थे। ओवल का मैदान था, मैं वहाँ से कॉमेंट्री कर रहा था हिंदी में, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ लोगों से पूछूँ कि आप क्यों जा रहे हैं, हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज। तो मैंने पूछा तो कुछ ने कहा कि साहब वी हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड आवर डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड अस नॉट टू गो थ्रू सच एक्साइटमेंट इन लाइफ, अदरवाइज इट कैन बी इंजूरियस टू योर हेल्थ। तब मैंने कमेंट्री में कहा था कि
जिन्हें दिल की बीमारी है, उनके डॉक्टर शायद उन्हें सलाह दे रहे होंगे कि अब ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि ये रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो ये बात जब मैंने कही थी तो वो आज तक इतनी लोकप्रिय, आज भी मुझे लोग वो वाक्य के लिए जानते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वैसी कॉमेंट्री मैंने आज तक नहीं सुनी। मुझे याद है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो जिन्होंने गुनाहों का देवता जैसे उपन्यास लिखे और इतने बड़े साहित्यकार जिनकी मैं पूजा करता था बचपन से, तो धर्मयुग के संपादक थे, तो वो इतने प्रसन्न हुए, मुझे गले लगा लिया जब मैं इंग्लैंड से लौटा और मुझे घर ले गए। तो मुझे लगा कि आज अगर घर घर में चीज़ इस तरह लौट रही। दूसरा रोमांचित होने का वक्त वो आया जब नेपियंसी रोड, अंग्रेजी दां इलाका, नेपियंसी रोड में मेरे भाई रहते थे, जब ऑस्ट्रेलिया से कमेंट्री करके आया 77-78 में, तब नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने अच्छी कमेंट्री की या ख़राब की है, लेकिन तब जो बच्चे नकल कर रहे थे वहाँ पर कमेंट्री की, तो मैंने देखा मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। ऐसे जब अंग्रेजी दां शहर में, नेपियंसी रोड जैसे अंग्रेजी दां इलाके में, अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हिंदी में कमेंट्री करने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रभाव, इम्पैक्ट उन पर पड़ा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये काम हम खुद कर नहीं सकते, ये ईश्वर हमसे कराता है। बिल्कुल अद्भुत क्षण आपके लिए रहा होगा। होलकर स्टेडियम जहाँ पर कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे खेला जाएगा, वहाँ पर एक कमेंट्री बॉक्स है, कमेंट्री स्टैंड है, जो कि सुशील दोषी सर के नाम पर रखा गया है और पद्मश्री से भी भारत सरकार ने इनको नवाजा है। और आप अभी भी सुन रहे होंगे, उम्र थोड़ी हो गई है लेकिन आवाज़ में वही बेस है, वही पहनापन है और क्रिकेट की वही बारीकियाँ अभी भी समझाते हुए नज़र आते हैं सुशील दोषी। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।